Good morning everyone. After all, what we are discussing in chapter 1st as again, we completely discussed about the human organism, means human beings, about their life processes and the event, and along with the human beings, we studied about the plants too. That what are the life processes are belonging or happening in the plant life or in the animal life. And in sense of the second chapter, we have studied the control and coordination process in plant life and animal life. Okay, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने दो चैप्टर कवर किए. दो चैप्टर में हमने क्या जाना? पहले चैप्टर में तो ये कि हमने जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, मीन्स प्लांट है, एनिमल्स है, उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप प्रोसेसेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में जाना. और अलोंग विद दैट उसी के साथ वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सेकेंड चैप्टर. इन सेकेंड चैप्टर हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के बारे में जाना. बट टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट अ लाइफ प्रोसेस, एक मैकेनिज्म जो लाइफ प्रोसेस की थी उसके बारे में हम आज डीप स्टडी करेंगे, विच इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. वो क्या है? वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. सो आवर थर्ड चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म reproduce. Okay. In this chapter, what we are going to discuss? इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? How do organisms reproduce? Means in this chapter we are going to discuss about the reproduction process in plants and animals. कि कैसे जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है प्लांट्स में या एनिमल्स में कैसे परफॉर्म होती है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं. बेसिकली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. बट अलोंग विद दैट एनिमल्स और प्लांट्स में कुछ और भी तरीके के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं, और एनिमल्स में कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर दैट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, अगर हम पढ़ना है, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन. क्या लिखा है कि जैसे रिप्रोडक्शन कोई जरूरी नहीं है एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन चाहिए, उस तरह रिप्रोडक्शन कोई जरूरी नहीं है. बट रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग द स्पीशीज, इंक्रीजिंग द एनी स्पीशीज पॉपुलेशन. एज ए न्यूट्रिशन किसी और जैसे न्यूट्रिशन बहुत जरूरी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवेबिलिटी के लिए उस, लेकिन इन सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन के सेंस में बात करें तो रिप्रोडक्शन उतना जरूरी नहीं है कि एज ए न्यूट्रिशन. लेकिन ये किस सेंस में जरूरी है? ये भी एक जरूरी पार्ट है, जरूरी इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज इट इंक्रीजेस द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज. ये क्या करता है? ये किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी तो वो स्पीसीज एक न एक दिन खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ प्रोसेसेस एज वेल एज इन न्यूट्रिशन. सबका जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं सबका अपना अपना महत्व होता है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस. और लिखा है कि अगर कोई और इसी प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देने जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है. सो हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. इसमें क्वेश्चन पूछा है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, मीन्स क्या जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो एग्जैक्ट कॉपीज जैसे वो है उसी तरीके को जन्म देते हैं. तो बेसिकली रिप्रोडक्शन का मीनिंग ही यही है. अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें, दैट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ओके, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल क्रिएट्स इट्स ओन कॉपी, मीन्स वो अपने जैसे को ही जन्म देते हैं. एंड दे आर नोन एज ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सिबलिंग्स. ओके,
The reproduction is a biological process in which any organism give birth to their young ones similar to itself. क्या है रिप्रोडक्शन की क्या डिफिनेशन है? रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन है रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये क्या है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ही अपने छोटे बच्चे को जन्म देता है, यंग वंस को बर्थ करता है सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसे के. मे बी कलर साइज मे बी डिफरेंट, साइज और कलर डिफरेंट कर सकती है, बट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कांट बी डिफरेंट. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो बॉडी डिजाइन होती है वो नहीं डिफर करता है. फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, अगर एक काउ है, एक काफ को बर्थ करती है, तो क्या काउ के दो कान है तो क्या काफ के चार हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होता. मे बी कलर डिफरेंट हो सकता है, कोई ब्लैक काउ है तो व्हाइट काफ हो सकता है, या व्हाइट काउ है तो ब्लैक काफ हो सकता है, ब्राउन काफ हो सकता है. लेकिन बॉडी डिजाइन जो है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं, वो सिमिलर होता है, वो नहीं चेंज होता. सो रिप्रोडक्शन भी यही प्रोसेस शो करता है. अगर हम प्लांट्स पर भी बात करें, जो प्लांट्स बनते हैं वो शेप और साइज में अलग हो जाते हैं, है कि नहीं? पेरेंट बॉडी बहुत ही बड़ी रहती है जबकि सिबलिंग्स बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है? लेकिन वो जो अगर हिबिस्कस का प्लांट है तो उसका सिबलिंग जो होगा वो भी हिबिस्कस का ही फ्लावर हमें देगा, वो रोज का फ्लावर हमें नहीं देने लगेगा. सो ये जो चेंजेस हैं, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें जो एक क्वेश्चन है कि क्या ऑर्गेनिज्म्स एग्जैक्ट कॉपीज को ही बनाते हैं? यस, एग्जैक्ट कॉपीज को ही बनाते हैं, बट ओनली इज द डिफरेंस बिटवीन दैट कलर एंड साइज और शेप मे बी डिफरेंट. जो कलर साइज और शेप होता है वो डिफरेंट हो सकता है, बट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कम्प्लीटली द सिमिलर और द सेम. लेकिन जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी डिजाइन होती है वो पूरी तरह से सेम होती है, सिमिलर होती है. ओके तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लू प्रिंट्स ऑफ दिस बॉडी डिजाइन एंड क्रोमोजोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मटेरियल मॉलिक्यूल्स. द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. इसमें लिख रहा है कि जो ये ये है रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ये क्या करता है, ये ब्लूप्रिंट तैयार करता है, एक ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट तैयार करके उसे दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट करता है. और उसी के साथ साथ ये किस पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम्स पे, जो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है. और उसमें क्या होता है, उसमें एक मॉलिक्यूल होता है विच इज नोन एज डीएनए, जो जेनेटिक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं. और क्या होता है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो ट्रांसफर होता है आफ्टर ईच एंड एवरी जनरेशन, वो हर एक जनरेशन में ट्रांसफर होता जाता है. और कहाँ पाया जाता है, वो क्रोमोजोम्स में पाया जाता है. और क्या कह रहा है, द डीएनए इज द न्यूक्लियस इन द इंफॉर्मेशन फॉर सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन. ये इंफॉर्मेटिव सोर्स है किसके लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए. और तो और इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड. अगर कोई इंफॉर्मेशन बदल जाती है तो फिर दूसरा प्रोटीन भी बन सकता है, ठीक है? एंड डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन. अगर बॉडी डिजाइन, अगर सही बात है, अगर डीएनए चेंज होगा तो ठीक है, कुछ प्रोटीन चेंज होंगी. और बॉडी क्या बनी है, बॉडी जो हमारा है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, सॉरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है. तो वो जो प्रोटीन अगर चेंज होगा तो हो सकता है बॉडी डिजाइन भी चेंज हो जाए. इट इज वेरी ट्रू, इट इज वेरी राइट कि बॉडी डिजाइन में चेंज. देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. और इसीलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक बेसिक प्रोसेस होता है कि डीएनए का कॉपी का फॉर्मेशन होना. सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या करती हैं, सेल्स केमिकल रिएक्शन द्वारा डीएनए के कॉपीज को बनाती हैं. और तो और ये जो डीएनए कॉपीज हैं इन रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. वो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स में पाई जाती हैं और वो फिर क्या होता है, उन्हें एक दूसरे से अलग मीन्स सेपरेट किया जाता है फ्रॉम ईच अदर. हाउ एवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इज इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वर नॉट वर्क बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies are separate, each with its own cellular apparatus. क्या दिया इसमें, इसमें दिया है कि जब DNA copies बनती हैं
मीन्स जब सेल्स में डिवीजन होता है, जब ढेर सारी सेल्स बनती हैं तो उनमें हर एक डीएनए एनडीएनए हर सेल में पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब सेल को हम सेपरेट करेंगे, जब सेल्स सेपरेट होंगी तो डीएनए मटेरियल भी सेपरेट होंगे। अगर उसी सेपरेशन के टाइम अगर डीएनए में कोई चेंजेस हो गए तो मे बी की बॉडी डिजाइन भी चेंज हो सकती है, एग्जैक्ट कॉपी से कुछ चेंज हो सकता है। दीज टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर, हो सकता है कि दो सेल्स एक जैसे ही हो, बट दे आर लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, लेकिन वो उनका फंक्शन कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, देयरफॉर इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम। तो और ये क्या होता है, जब डीएनए है उसकी हम कॉपिंग करेंगे तो हो सकता है हर बार कॉपी में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ ही जाएंगे, ओके। अगर हम फोटोकॉपी करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, अगर लगातार हम एक ही चीज़ की फोटोकॉपी करते हैं तो क्या होता है, कुछ पे डार्क सेट्स आएंगे, कुछ पे लाइट सेट्स आएंगे, कुछ पे वेरी लाइट आएंगे, क्या होता है जो प्रिंटिंग मटीरियल है वो इन्वॉल्व होता है, कुछ पे तो बहुत डार्क प्रिंटिंग आएगी, कुछ पे उससे हल्की आएगी, कुछ पे उससे हल्की आएगी, तो ये क्या शो करता है, ये वेरिएशंस को शो कर रहा है कि कैसे उनमें वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। डीएनए की कॉपिंग के टाइम कैसे डीएनए में वेरिएशंस आ रहे हैं और हर एक वेरिएशन क्या है वो कब जनरेट हो रहा है, बट वो जनरेट तो हो रहा है लेकिन आइडेंटिकल और ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है। सम ऑफ दिस वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद सेलुलर एपरेटस इट इनहेरिट्स। और कभी कभी क्या होता है, जो डीएनए की कॉपिंग होती है इन वेरिएशंस के कारण ऐसी बन जाती है कि जो सेलुलर एपरेटस है जिससे वो बन रहा है उससे पूरी तरह अलग हो जाती है और फिर वो उसके साथ मिलजुल के काम करने से मना करती है, मीन्स उसके साथ फिर वो मिलजुल के काम नहीं कर पाती। सच ए न्यू बॉर्न कॉपी विल सिंपली डाई, और ऐसे क्या होता है फिर ऐसे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं ऐसे न्यू बॉर्न्स की कॉपी जो होती है वो मर जाते हैं। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन, और इसीलिए कहा जाता है जो रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में वेरिएशंस होते हैं ये क्या है, ये इवोल्यूशन के बेसिस है, इसी बेसिस पे इवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि आखिर ये तो हो गया वेरिएशन की बात हो गई कि डीएनए में कॉपिंग के ड्यूरिंग में ड्यूरेशन में वेरिएशन होता है, लेकिन उस वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिख रहा है, पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेस और निके इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, द कॉन्सिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर निके, रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। क्या कह रहा है, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर रहा होता है वो उस हैबिटेट में, उस नीके में, उस इन्वायरमेंट में कम्प्लीटली सबसुटेबल, कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है, मीन्स वहाँ पे वो अच्छे से सर्वाइवेबिलिटी करता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशन से जो वो डीएनए चेंजिंग होगी, डीएनए कॉपीज बनेंगे, वो क्या करती हैं, इसीलिए वो स्टेबिलिटी दिखाती हैं कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज से क्या होता है, जो पॉपुलेशन क्रिएट होगी, ठीक है, वो पॉपुलेशन स्टेबल बनी रहेगी, एक स्टेबल फॉर्म में रहेगी, मीन्स ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ना ही बहुत ज़्यादा घटेगी, बट एक लिमिटेड में बढ़ती भी रहेगी घटती भी रहेगी, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा ओवर होगी ना ही बहुत ज़्यादा कम होगी। However, निकेज कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लेकिन निकेज जो होते हैं वो बदले जा सकते हैं किसके बेसिस पे, कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल पे। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, अर्थ पे टेम्परेचर भी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वाटर लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है, और तो और अगर कुछ मेटेराइट्स हिट करते हैं अर्थ को तो उसके बारे में सोचिए क्या होगा, इफ़ ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, अगर कोई पॉपुलेशन है, अगर कुछ अर्थ में चेंजेस होते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए बहुत ज़्यादा घट जाए, या पानी की लेवल एकदम बढ़ जाए घट जाए, या फिर कोई मेटेराइट आपके किसी अर्थ से टकरा जाए तो उससे क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि कोई पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए, ठीक है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन ही वहाँ से खत्म हो सकती है, गायब हो सकती है, वो ड्रेस्टिकली अल्टर्ड। इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इफ यू इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन दे वुड सेम चांस फॉर देम टू
सर्वाइव। अगर उनमें से कुछ बचते हैं, ठीक है, अगर उस पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स बचते हैं या कुछ उस कंडीशन को सर्वाइव कर ले जाते हैं, मीन्स अगर बहुत ज़्यादा हीट है उस पर भी सर्वाइव कर ले जाते हैं, तो क्या करेंगे, वो सर्वाइबिलिटी प्रोसेस को करके एक न्यू पॉपुलेशन के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, वो मदद करेंगे कि एक न्यू पॉपुलेशन फिर से फॉर्म हो जाए। दस इफ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट रीजन टेम्परेट वाटर्स, अगर कोई पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की जो टेम्परेट वाटर में रह रही है, एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाई ग्लोबल वार्मिंग, और उस वाटर का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत बढ़ जाए, तो हो सकता है बहुत से बैक्टीरिया मर जाए, लेकिन जो जिंदा बच जाएंगे वो उसके रेजिस्टेंस हो जाएंगे, फिर उनके पास एक कैपेबिलिटी हो जाएगी कि वो उतने टेम्परेचर को झेल सकते हैं, ठीक है, और फिर वो उसमें ग्रो करेंगे और फिर एक नए पॉपुलेशन को बना लेंगे। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, और इसीलिए ये जो वेरिएशन है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइवेबिलिटी कंडीशन को गेन करता है, वो अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बनाता है कि वो हर चीज़ को सह ले और एक न्यू पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।